देखिए, इस बार की राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद और छद्म धर्मनिरपेक्षता को नकार दिया। देश के अंदर एक ही उम्मीदवार था एनडीए का, जिनका नाम था नरेंद्र मोदी। हम लोग प्रतीक स्वरूप में थे, ऐसा मैं समझता हूं, और पक्ष भी था, हम उनकी तारीफ करते थे। विपक्ष भी नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि वो गाली केवल दे रहे थे, उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, नए भारत का कोई एजेंडा नहीं था। जनता ने नरेंद्र मोदी को जो गाली विपक्ष दे रहा था उसको नकार दिया, जातवाद को नकार दिया, वंशवाद को नकार दिया, छद्म निरपेक्ष वाद को नकार दिया, और ये जीत ऊपर महादेव हमारी और नीचे नरेंद्र मोदी और बेगूसराय की जनता, इसकी जीत है। मैं जब चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, गरीबों के आंखों में नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा भरी विश्वास था, जिसको विपक्ष ने नहीं देख पाया, और वही उसके नासमझी का कारण रहा, यही मैं समझता हूं। मैं बताऊं, यहां लड़ाई थी बेगूसराय में, जो सोच है, जो विकृत राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ। ये बेगूसराय की धरती बड़ा ही ऐतिहासिक और चर्चित धरती रहा। ये बेगूसराय की धरती, यहां खूनी क्रांति हुआ है, कितने शहीद हुए हैं, कितने लोगों की जाने गई है, हमारी बहनें विधवा हुई है। लालू जी के राज में सामाजिक विद्वेष हुआ, तो ये लड़ाई विकृत राष्ट्रवाद की सोच के खिलाफ था। उसमें आरजेडी भी था, कम्युनिस्ट भी था और कांग्रेस भी थे। जब मैं ये कहता था, और पूरे देश से मैं क्षमा चाहता हूं कि मीडिया के कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी को गालियां देते थे पानी पी पी करके, कई लोग तो महीने महीने दिन तक यहां रोज पोस्ट करते थे, लेकिन वो गरीबों के आंखों को नहीं देखते थे, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी के प्रति। क्या लगता है इस जीत का श्रेय किसको देंगे? ऐसे तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी के विश्वसनीयता और विकास, सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रीयता का सुनामी में विपक्ष बह गया। जहां तक बेगूसराय का सवाल है, बेगूसराय में मैं पहले भी कहता था कि देश में एक ही उम्मीदवार है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। हम सब एनडीए के उम्मीदवार केवल प्रतीक के रूप में हैं। हम उनकी उनके कामों की तारीफ कर रहे थे, और विपक्ष में भी केवल नरेंद्र मोदी थे, वो उनको गालियां दे रहे थे, और गालियों को जनता ने नकार दिया। बेगूसराय में मैं इतना ही कहूंगा, ऊपर महादेव, नीचे नरेंद्र मोदी और बेगूसराय की जनता, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। आपको उम्मीद थी कि इतनी मार्जिन से आपकी जीत होगी? बेगूसराय की जनता को उम्मीद थी डे वन से, हमें नहीं भरोसा होता अलग बात है, आपको नहीं भरोसा होता अलग बात है, बेगूसराय की जनता को भरोसा था। कुछ मीडिया जानते थे, लेकिन एक महीना तक मेरे खिलाफ जो अभियान चलाया, भगवान न करे कि लोकतंत्र में ऐसा भी हो। या आपके माध्यम से लोगों को कहता हूं, ये देश में जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उसके पहले उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। ये वोटोक्रेसी की राजनीति थी, ये छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। उन्होंने कहा, इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, और सबका साथ सबका विकास, और यही आज जीता है। राष्ट्रवाद की कल्पना, लोग राष्ट्रवाद को नकार रहे थे, सेना को गालियां दे रहे थे, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, लोगों ने नकार दिया, सुनामी आ गया। हम लोग जब कहते थे कि सुनामी है, तो लोगों को भरोसा नहीं होता था, आज दिख रहा है,
वो गरीबों के अंदर एक विश्वास था, अगर उसके घर बने हैं तो मेरे घर भी बनेंगे, उसके घर में शौचालय लग है तो मेरे घर में भी होंगे, उसके घर बिजली है तो मेरे घर में भी बिजली होगा, और उसको 5 लाख रुपया इलाज कराने के लिए गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत का मिला है, मुझे भी मिलेगा। किसानों में आशा जगी कि 72 नए पैसे यूनिट मिलेगा, किसानों में आशा जगी मुझे खाद बीज के लिए 6000 रुपया दिया जा रहा है। ये गरीब, ये किसान, 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिन्हें इंश्योरेंस दिया गया, पेंशन दिया गया, लोगों ने दरकिनार कर दिया, लोगों ने केवल मोदी को गाली दिया। वार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, उन्होंने माहौल क्रिएट किया मेरे कंस्टिट्यूएंसी में कि नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार की हार होगी, लेकिन यहाँ बेगूसराय की जनता की जीत हुई। यही मैं कहूँ, देखिए प्रधानमंत्री ने, हम लोग, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा मंत्रिपरिषद की बैठक और कि एनडीए एक ऐसा ताकत देश का बना है, सकारात्मक राजनीति का, इस प्रयोग को हम नकार नहीं सकते। जनता को बधाई कि जिन्होंने स्पष्ट बहुमत दी, लेकिन एनडीए को सुपर बधाई कि हम मजबूती के साथ राष्ट्र रचना में जैसे 5 साल बिताया वैसे हम और आगे 5 साल बिताएंगे। ये अलग है बंगाल की लड़ाई में, बंगाल की लड़ाई में हम अकेले लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे लोकतंत्र की लड़ाई, लेकिन वार्ड वापसी गैंग, किसी ने मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं जलाया जब पंचायत चुनाव में हत्या कर दी उम्मीदवारों की, जीते हुए सदस्यों को अधिकार नहीं मिला, यहाँ बूथों पर नंगा नृत्य हो रहा था, इसके लिए ये वार्ड वापसी गैंग और विपक्ष की जुबान नहीं खुला, जनता देख रही थी और जनता ने उसी का ये परिणाम निकला कि वहां भी हम अच्छे मतों से आगे आए हैं, अच्छी संख्या में आए हैं। मैं कहीं नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मोदी जी जहां जिस काम में लगाएंगे वहीं मैं दिखूंगा। धन्यवाद। तो हम जब गए राजेश जी, मोदी जी ने फोन करके कहे बाबू,